दिल्ली के बलजीत नगर से, जहां नितेश नाम के शख्स की पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उफीजा, अदनान और अब्बास पर है, जो फिलहाल फरार है। हत्या के बाद इलाके के लोगों में विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क को जाम किया और कातिलों को फांसी देने की मांग की। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन परिवार के मुताबिक नितेश बजरंग दल से और संघ से जुड़ा हुआ है। तो आरोपी उफीजा, नदनान और अब्बास जो हैं वो फरार हैं। बताया जा रहा बजरंग दल और संघ से जुड़े थे नितेश, ये जानकारी परिवार की तरफ से दी गई है। तो दिल्ली के बलजीत नगर में एक युवक की हत्या के बाद अब बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हत्या के बाद इलाके के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क को जाम कर दिया, कातिलों को फांसी देने की साथ ही साथ मांग उठा दी। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में कोई कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन परिवार के मुताबिक नितेश बजरंग दल से और संघ से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई है। जो आरोपी हफीजा, अदनान और अब्बास के तौर पर जिनकी पहचान हुई है, वो फिलहाल अभी फरार है। तो ये बवाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार के लोग नाराजगी जता रहे हैं, गुस्से में हैं। तो दिल्ली में शख्स की हत्या के बाद उबाल बढ़ता हुआ बलजीत नगर में ये पूरा मामला सामने आया है। कत्ल के बाद अब बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की तरफ से इस पर कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है, पुलिस की तरफ से कहा गया है हत्या के जो आरोपी उफीजा, अदनान और अब्बास पर अब नजर है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की तैयारी। मुख्यमंत्री को और डीसीपी को बुला दो और मेरे को उसको कह दो दिन में फांसी दे देंगे, और लिख कर दे दो मेरे को, मैं उठ जाऊंगी। फांसी की, फांसी, फांसी की मांग है उसको, नहीं से नहीं उठूंगी, नहीं उठेंगे। इसके साथ में लिटा दूंगा, मेरे साथ नीतीश बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बजरंग दल का नेता, बजरंग दल का कार्यकर्ता था, सक्रिय कार्यकर्ता था, बजरंग दल का संघ का स्वयं सेवक था, और आए दिन भजन दल के कार्यक्रमों में जाता रहा। हत्या की किस लिए? अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्योंकि परिवार के लोग तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नितेश बजरंग दल से और संघ से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यह हत्या हुई है, और परिवार वाले क्या कह रहे हैं, किस बात को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस की तरफ से क्या दलील दी गई? देखिए, पुलिस जरूर ये कह रही है कि कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन आपको बताऊं बड़ी हैरानी की बात है। सबसे पहले सीधे तस्वीरें दिखाएं, चूंकि भीड़ यहां पर काफी ज्यादा संख्या में है, लोगों का गुस्सा फूटा है, इस वजह से आरएएफ की टीम यहां पर तैनात कर दी गई है। वहीं अगर बात की जाए तो इस हत्या के जो आरोपी है, प्रमुख आरोपी, उनके नाम उफीजा, अब्बास और अदनान है, तीनों फरार चल रहे हैं। और तस्वीर देखिए, यहाँ पर बकायदा जो नीतीश की डेड बॉडी है उसको सड़क पर रखकर बकायदा जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि जो नीतीश है वो बजरंग दल और संघ से जुड़ा हुआ था, इस वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और मैं आपको बताऊं, बड़ी ही बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, चाकुओं से कई बार वार किया गया है। जो नितेश है वो घायल था, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अगर आप देखिए तस्वीरों में तो जो पूरा परिवार है वो काफी ज्यादा गुस्से में भी है और गमजदा भी है, और शायद यही वजह है कि जो डेड बॉडी है वो रखकर परिवार वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार जो नीतीश की मां है उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री खुद यहां पर आए। हैरानी की बात यह भी है कि राजधानी में यहां पर इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, लेकिन इलाके की जो डीसीपी है वो मौके से नदारद है, इलाके का कोई भी बड़ा अधिकारी वो मौके पर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि परिवार की यही मांग है कि कम से कम इलाके के अधिकारी जो मुख्यमंत्री है स्वयं यहाँ पर आए, आश्वासन दे कि वो इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, बड़ा एक्शन लेंगे। और जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर ये अगर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल की तैनाती वो यहाँ पर भी कर दी गई है, दिल्ली पुलिस के जवान वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। जो डीसीपी है उनका कहना है इस मामले में कोई कम्युनल एंगर नहीं है, जबकि परिवार वालों का कहना है कि जो नीतीश था वो बजरंग दल और संघ से जुड़ा हुआ था और इसी विवाद में उसकी हत्या कर दी गई है। जरा तस्वीरें अंकित खंडेलवाल आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, ये बलजीत नगर का इलाका है, शादीपुर गांव पड़ता है, और यहाँ यहीं का रहने वाला था नीतीश, अपने कुछ साथियों के साथ जा रहा था, उसी दौरान विवाद हुआ, उफीजा, अब्बास और अदनान
इन तीनों पर हत्या का ये पूरा आरोप है। नहीं, अरविंद भाई ये बता पाएंगे क्या कि विवाद किस वजह से हुआ, किस बात को लेकर बवाल इतना बढ़ गया कि हत्या तक कर दी गई? जी देखिए, परिवार वालों की अपनी बातें हैं और दलीलें हैं। उनका कहना है कि चूंकि बजरंग दल और आरएसएस से जुड़ा हुआ था, इस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्या की वजह क्या है इस बारे में अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस तीनों ही जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने की कोशिशों में जुटी हुई है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो परिवार वाले हैं वो डेड बॉडी रखकर यहाँ लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तो नितेश की माँ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, परिवार वाले यहाँ पे मौजूद है, इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद है और सभी में काफी ज्यादा गुस्सा है। लगातार जो आरोपी है उनके खिलाफ फांसी की मांग की जा रही है। हत्याकांड की असली वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है क्योंकि तीनों ही आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह की तस्वीरें नितेश की जिस तरह से हत्या की गई, घेर कर ताबड़तोड़ चाकुओं से गोद डाला गया और उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो परिवार के लोग हैं उन्होंने खुद, अगर आप देखिए तो नितेश की माँ आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई देंगी और यहाँ पर बकायदा वो बेसुध है और उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए, इलाके के अधिकारी खुद यहाँ पर आए, आश्वासन दे कि बकायदा जो आरोपी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उन सबके बीच अगर देखिए तो एक माँ वो सड़क पर अपने बेटे की डेड बॉडी लेकर बैठी है। आप समझ सकती है कि किस तरह के हालात यहाँ पे होंगे। शायद ये वजह कि लोग काफी ज्यादा, इलाके के लोग गुस्से में हैं और वो समर्थन में भी उतर करके यहाँ पर आ गए, जबकि तीनों आरोपी वो फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इतने बड़े हत्याकांड के बाद और जिस तरीके से सड़क जाम किया गया है, जो इलाके की डीसीपी है, डीसीपी रैंक का अधिकारी ग्राउंड पर होना चाहिए, अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद नहीं है। कुछ एक पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि फिलहाल जो प्रशासन के लोग हैं वो परिवार को समझाते बुझाते आश्वासन देते, जिसकी ये लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन इलाके का कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। पूरे सड़क को यहाँ पर जाम कर दिया गया। वहीं आपने जो पूछा हत्याकांड की वजह, तो उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत मुमकिन है कि जब तीनों आरोपी गिरफ्तार होंगे उसी के बाद इस मोटिव जो है उसका खुलासा हो पाएगा।